हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ एक नए लोकेशन पे आ गई हूँ। सो आज मैं आ गई हूँ पाचुली में। सो पाचुली में 45 बस स्टैंड के पास की लोकेशन को मैं कवर कर रही हूँ। सो आज जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूंगी वो G+4 प्रोजेक्ट है। बहुत ही अच्छा एलिवेशन है प्रोजेक्ट का, मतलब जब मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। बड़े बड़े से रूम है, बड़ा सा फ्लैट है, बड़ा सा 2BHK, बड़ा सा 3BHK। यहाँ पे मैं आपको 2BHK और 3BHK दिखाऊंगी। यहाँ पे आपको पार्किंग भी अवेलेबल मिलेगा। सो आज मुझे वीडियो में हेल्प करने के लिए है सुकल्याण। सो सुकल्याण, सबसे पहले मुझे बता दो कि ये लोकेशन क्या है। लोकेशन बेसिकली आपका पाटुली है। यहाँ से 45 जो बस स्टैंड है वो आपका देर से 200 मीटर के अंदर है, और इधर से भी एक रास्ता है जो पाटुली घोसपाड़ा है बाईपास से, उधर से भी आप आ सकते हैं। 400 से 500 मीटर आपका पड़ेगा, तो दोनों तरफ से आपका रास्ता है आने के लिए फ्लैट में। अच्छा, सो रास्ता तो समझ में आ गया। अगर मुझे ऑटो बस स्टैंड वगैरह जाना हो तो? बस स्टैंड तो आपका मैंने बोला है 45 बस स्टैंड है, वो आपका 150 से 200 मीटर के करीब है, तो वहाँ पर सामने से इसको आपको मिल जाता है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। लेकिन मतलब फ्लैट के नीचे से मुझे ऑटो मिल जाएगा? ऑटो नहीं, आपका पैदल वाला जो रिक्शा होता है, टोटो होता है, वो वाला मिल जाएगा, लेकिन वो जाने से कोई मतलब नहीं है। आपका पैदल भी जा सकते हैं, 150 से 200 मीटर है, ठीक है। 2 से 3 मिनट में आप मेन रोड पहुँच जाएंगे, वहाँ पर 45 बस स्टैंड है। तो 45 बस स्टैंड से आपका वो बाऊघाट का बस है आपका मिल जाता है, और उस रोड में ऑटो भी चलता है। मतलब वहाँ से पाटुली जो मेन जो पाटुली मोड़ है उसका डिस्टेंस 800 मीटर है। अच्छा। फ्लैट से टोटल 900 मीटर में आप पाटुली जो मोड़ है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर भी बहुत मतलब सारे बस वहाँ से जाता है, और आपका जो 45 पेट्रोल पम्प जो बोलता है वो यहाँ से डिस्टेंस होता है 600 से 700 मीटर, तो वहाँ पर भी आपको बस मिल जाएगा, बस ऑटो मिल जाएगा, जादवपुर का बस मिल जाएगा, ऑटो भी मिल जाएगा। वाओ, गुड। और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वगैरह? मेट्रो देखिए, अभी चालू जो मेट्रो है वो आपका खुदीराम मेट्रो है, और अभी मतलब रिसेंट चालू हुआ है जो रूबी वाला मेट्रो जो चालू हुआ है, वहाँ पर आपका जो हाईलैंड पार्क वाला स्टेशन है वो भी यहाँ से नज़दीक पड़ता है, तो दोनों के मिडिल में ही फ्लैट है। वाओ, गुड। सो मतलब यहाँ से बेसिकली मुझे 2 मेट्रो का एक्सेस मिल जाएगा, और स्टेशन आपका नजदीक वाला स्टेशन होगा बागा जतिन जो स्टेशन है वो मिल जाएगा आपको। बागा जतिन, ओके, ठीक है। सो ये हो गई कनेक्टिविटी के बारे में। अब मुझे ये बता दो स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस। देखिए, हॉस्पिटल के बारे में अगर बोला तो बाईपास के बहुत नज़दीक है, तो सामने आपका PLS मिल जाता है, मेडिका जो है वो मिल जाता है, आमरी मिल जाता है, तो बाईपास कनेक्टिविटी है, इसलिए बाईपास में बहुत मतलब हॉस्पिटल, नर्सिंग होम वगैरह है, तो वहाँ पर सामने ही मिल जाएगा आपको। स्कूल बोलेंगे तो ये सामने ही आपको बिल्डिंग से ही दिखाई देता है। आप इंग्लिश मीडियम में स्कूल है पाटुली में वो आपका मिल जाता है। BD में आपका 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर मिल जाता है, और बांग्ला मीडियम भी इसके सामने ही पाटुली में है, वो भी मिल जाएगा आपको। वाओ, और अगर मुझे सब्जी भाजी लेनी हो तो? देखिए, बिल्डिंग के सामने एक सब्जी भाजी का छोटा वाला मार्केट है, मतलब छोटा जो सब्जी वाला मतलब मीट वगैरह आपको मिल जाएगा, 40 मिनट के सामने भी मिल जाएगा, या आपका हाईलैंड पार्क जो है वहाँ पर बड़ा मार्केट है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और आप अगर मतलब मेन रोड जो 45 के सामने जाएंगे तो वहाँ पर आरामबाग है, स्पेंसर है, वो भी आपको मिल जाता है। वाओ, गुड। और हाईलैंड पार्क तो आपने बताया पास हाँ, में वो तो मतलब बड़ा शॉपिंग मॉल है, बिग बाजार है, उसमें बहुत मतलब आईनॉक्स भी मिल जाएगा, सिनेमा हॉल और सब। ओके ओके, सो ये हो गई लोकेशन के बारे में बात। अब मुझे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल दे दो। ये प्रोजेक्ट जो है, जो प्रमोटर है वो बहुत साल से काम कर रहा है यहाँ पर, तो जो मटेरियल जो है वो मतलब आपका जो है ब्रांडेड क्वालिटी में दिया हुआ है। और आपका अगर प्रोजेक्ट में बोलेंगे तो आपका पावर बैकअप मिल जा रहा है, आपका सिक्योरिटी मिल जा रहा है, लिफ्ट आपको मिल जा रहा है, CCTV आपको मिल जा रहा है, ये सब रहेगा। तो 2 फ्लैट मतलब टोटल आपका 8 फ्लैट यहाँ पर रहेगा। अच्छा, 8 फ्लैट है, हर फ्लोर पे आपका 2 करके फ्लैट है। पावर बैकअप, आपका लिफ्ट, पार्किंग, CCTV कैमरा, आपका सिक्योरिटी। सो ये सारे जो बेसिक सी जो एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट में होना चाहिए, अच्छे वाले स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट में, ये प्रोजेक्ट आपको वो देगा। और सबसे अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत इस फ्लैट का एलिवेशन है, मतलब बिल्डिंग को देख के दीघा दीघा वाली फीलिंग आ रही थी। हाँ, जो बिल्डर है ना वो खर्चा किया है आपका, जो मतलब आपका दाम ले रहा है लेकिन खर्चा किया है बहुत। नो डाउट, मैंने देखा है क्वालिटी वगैरह, एवरीथिंग इज ऑसम। सो ये हो गई बेसिक सी डिटेल्स लोकेशन और प्रोजेक्ट के बारे में बात। सो अभी मैं आपको पहले 2BHK 3BHK का लेआउट दिखा देती हूँ, प्राइसिंग दिखा देती हूँ, फिर बाकी बातें हम वीडियो के एंड में ही रैप अप करेंगे। सो कम विद मी। ओके, सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करने के लिए आई हूँ ये है वो प्रोजेक्ट। बहुत ही खूबसूरत सा ये प्रोजेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, इसको देख के ना दीघा दीघा टाइप वाली फीलिंग आ रही है। सो ये है वो प्रोजेक्ट G+4। नीचे में आपको पार्किंग मिल जाएगा, पार्किंग के लिए आपको 6 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो ये है ये प्रोजेक्ट, देख लीजिए, ऑलमोस्ट 90% काम हो चुका है। G+4 ये प्रोजेक्ट है। इसी के सामने आपको ये 25 फीट का रोड मिल जाएगा, देख लीजिए आप लोग।
सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट और साइजेस चेक कर लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जो 2 BHK मैं कवर करने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस। सो ये जो 2 BHK है वो आपका स्टेयर से उठकर ही लेफ्ट साइड में, और आपका लिफ्ट के ऑपोजिट में जो 2 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। हर फ्लोर में 2 फ्लैट है, एक 3 BHK और एक ये आपका 2 BHK। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 965 square feet है। ये आपको सेकेंड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर में मिल जाएगा। सो बेसिकली ये जो फ्लैट है वो आपका वेस्ट फेसिंग फ्लैट है, यानी सामने में आपको वेस्ट मिलेगा, राइट साइड में आपको नॉर्थ मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में आपको साउथ मिल जाएगा। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कॉमन एरियाज में पूरा मार्बल का काम किया गया है और फ्लैट के अंदर टाइल्स का काम किया गया है। सो फ्लैट के अंदर आपको 2x4 के फ्लैट टाइल्स का काम किया गया है। सो यहीं से मैं आपको एक लेआउट बता देती हूँ। सामने में ही आपको लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है, लिविंग के लेफ्ट साइड में ही आपको एक बेडरूम दिया गया है, उसके आगे आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है, राइट साइड में आपको किचन के लिए स्पेस और डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है, उसके बाजू में ही आपको यहाँ पे एक सेकेंड बेडरूम दिया गया है और ये आपका मेन एंट्रेंस। सो चलिए अभी 1x1 रूम के साइज देख लेते हैं। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कॉमन एरियाज में मार्बल का काम किया गया है और फ्लैट के अंदर वेट्रीफाइड के टाइल्स यूज़ किए गए हैं, 4x2 साइज के वेट्रीफाइड के टाइल्स यूज़ किए गए। क्वालिटी बहुत अच्छी है पूरे प्रोजेक्ट की। सो सबसे पहले आपको ये घुसते ही साथ में आपको यहाँ पे ये लिविंग रूम मिल जाएगा, लिविंग स्पेस मिल जाएगा। सो ये जो आपका लिविंग स्पेस है ये 15x9 का आपको लिविंग स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको एक ह्यूज सा स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा, उसके बाजू में ही आपको यहाँ पे डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो डाइनिंग स्पेस है ये आपका 8x6 का आपको डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। डाइनिंग के ऑपोजिट में ही आपको यहाँ पे किचन दिया गया है, कवर्ड किचन दिया गया है। सो ये जो आपका किचन है ये आपका नॉर्थ फेसिंग किचन है, ये 6x8 का आपको यहाँ पे एक किचन मिल जाएगा। यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 बड़े बड़े से स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएंगे, चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है, सिंक पॉइंट दिया गया है, RO और रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट दिया गया है, यानी कि 6x8 का आपको ये एक कवर्ड किचन मिल जाएगा। किचन के सामने में ही ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है, ये आपका लिविंग के लिए स्पेस है और वो आपका मेन एंट्रेंस है। लिविंग से ही अटैच आपको ये यहाँ पे कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। ये जो कॉमन बाथरूम है ये आपका साउथ फेसिंग कॉमन बाथरूम है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है इसका साइज 6.5x4.5 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट, गीजर पॉइंट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और यहाँ पे बेसिन के लिए एक पॉइंट दिया गया है। तो 4.5x4.5 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो कॉमन बाथरूम के बाजू में ही आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये आपका साउथ फेसिंग मास्टर बेडरूम है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है इसका साइज आपका 11x10.5 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा, वार्डरोब के लिए स्पेस मिल जाएगा। सो ये आपका 11x10.5 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। इसी से अटैच आपको एक बाथरूम मिल जाएगा। सो ये जो बाथरूम है ये आपका 3.5x4.5 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम मिलेगा। यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट शीट, टैप पॉइंट, गीजर पॉइंट और शावर पॉइंट मिल जाएगा। सो ये आपका 3.5x4.5 का आपको यहाँ पे एक ये अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, स्टैंडर्ड साइज का विंडो दिया गया है। क्वालिटी टाइल्स और डोर वगैरह की बहुत अच्छी यूज़ की गई है, मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। हर रूम में आपको एक एसी के लिए पॉइंट मिल जाएगा। सो मास्टर बेडरूम से निकलते ही आप अपने लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका लिविंग स्पेस है, ये आपका मेन एंट्रेंस है। लिविंग रूम के ऑपोजिट में ही आपको ये सेकेंड बेडरूम दिया गया है।
सो ये जो आपका सेकेंड बेडरूम है इसका साइज 10x13 है। सो 10x13 का आपको ये सेकेंड बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एसी का पॉइंट मिल जाएगा, स्टैंडर्ड साइज का स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा, एक अटैच बालकनी मिल जाएगी। सो ये जो आपका सेकेंड बेडरूम है ये नॉर्थ फेसिंग सेकेंड बेडरूम है। सो ये जो आपको बालकनी दी गई है ये 4x10 का आपको ये एक बालकनी दिया गया है। यहाँ पे आपको एक वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका फ्रंट फेसिंग फ्लैट होने के कारण आपको यहीं से रोड देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए आप लोग। सो यहाँ बिल्डिंग के सामने आपको 25 फीट का रोड मिल जाएगा, देख लीजिए आप लोग। सो बालकनी से वापस आप अपने सेकेंड बेडरूम में आ जाएंगे। सामने में ही आपका लिविंग के लिए स्पेस है और ये आपका मेन एंट्रेंस, ये आपका मास्टर बेडरूम, वो कॉमन बाथरूम, ये डाइनिंग के लिए स्पेस और ये किचन, और ये आपका सेकेंड बेडरूम और ये आपका मेन एंट्रेंस। ओके सो कल्याण, मैंने 2BHK का फ्लैट टूर करा दिया है। सो अब इसका प्राइस और सुपर बिल्ड बता दो। स्क्वायर फीट है 965, पर स्क्वायर फीट आपका 6000 करके हो रहा है, तो आपका दाम हो रहा है 58 लाख। 58 लाख ओके। अगर कोई मेरा वीडियो है मेरे चैनल देखे आते हैं तो प्राइस में नेगोशिएट हो जाएगा। और पार्किंग इसके साथ है, अगर पार्किंग लेंगे तो 6 लाख पार्किंग का एक्स्ट्रा प्राइस। अच्छा, सो पार्किंग मैंडेट नहीं है, ऑप्शनल है। हाँ, ऑप्शनल। ओके ओके, थैंक यू। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 3BHK कवर करने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस। सो ये जो 3BHK इसका सुपर बिल्ड एरिया 1275 है। सो ये जो 3BHK है ये आपका फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे अवेलेबल है। सो ये 3BHK आपका ये स्टेयर्स से उठकर ही राइट साइड में और लिफ्ट के बैक साइड में जो 3BHK है मैं इसे कवर करूँगी। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कॉमन एरियाज में मार्बल का काम किया गया है और पूरे फ्लैट में आपका 4x2 साइज के वेट्रीफाइड के टाइल्स का काम किया गया है। सो ये जो आपका 3BHK फ्लैट है ये ईस्ट साउथ और नॉर्थ ओपन फ्लैट है, यानी सामने में आपको ईस्ट मिल जाएगा, राइट साइड में आपको साउथ मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में आपको नॉर्थ मिल जाएगा। सो ये 3 साइड ओपन फ्लैट है। सो यहीं से सबसे पहले मैं आपको एक लेआउट दिखा देती हूँ। घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको ये लिविंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। लिविंग रूम के राइट साइड में ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है, ये आपका फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। लिविंग रूम के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ये डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है, ये डाइनिंग के लिए स्पेस है। डाइनिंग के ऑपोजिट में ही आपको यहाँ पे किचन दिया गया है। डाइनिंग के लेफ्ट साइड में ही आपको ये एक सेकेंड बेडरूम दिया गया है, यहाँ से आपको बालकनी मिल जाएगी। ये एक कॉमन बालकनी जिसका एक्सेस आपको सेकेंड बेडरूम और मास्टर बेडरूम से मिल जाएगा। सो ये आपका सेकेंड बेडरूम और ये आपका थर्ड बेडरूम जहाँ से आपको बालकनी मिल जाएगा देखने को, और ये है आपका किचन, ये आपका लिविंग स्पेस, वो फर्स्ट बेडरूम, ये आपका बाथरूम और ये आपका मेन एंट्रेंस। सो चलिए अभी 1x1 रूम के साइज और लेआउट देख लेते हैं। सो घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको ये ईस्ट फेस के साथ आपको ये लिविंग रूम मिल जाएगा। सो ये जो लिविंग स्पेस है ये 13x10 का आपको ये लिविंग स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर के साथ एक विंडो मिल जाएगा। सो 13x10 का आपको ये लिविंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। लिविंग रूम के राइट साइड में ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये आपका साउथ फेसिंग में कॉमन बाथरूम दिया गया है, इट्स अ ह्यूज कॉमन बाथरूम। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है इसका साइज 4x10 है। सो 4x10 का आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम मिल जाएगा, स्टैंडर्ड साइज का विंडो मिलेगा, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, बेसिन के लिए पॉइंट। सो इट्स अ ह्यूज कॉमन बाथरूम विद द साइज ऑफ 10x4। इसके बाजू में ही आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है कॉमन बाथरूम के बाजू में, यानी कि हॉल से अटैच ही आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये आपका साउथ
और ईस्ट ओपन है, यानी कि सामने में आपको साउथ मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ईस्ट मिल जाएगा। सो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे दो स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएंगे। वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है, ये आपका 12x9 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। 12x9 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। सो 12x9 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया, जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दो बड़े बड़े से विंडो मिल जाएंगे। फर्स्ट बेडरूम से निकल कर ही आप अपने ये लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका लिविंग के लिए स्पेस है। लिविंग को क्रॉस करते ही आपको लेफ्ट साइड में डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। इट्स अ ह्यूज डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। 10x11 का आपको ये डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। डाइनिंग के ऑपोजिट में ही ईस्ट फेसिंग में आपको ये किचन दिया गया है। सो ये जो आपका किचन है, ये आपका 6x9 का आपको यहाँ पे किचन दिया गया है। यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज का विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, एक स्टैंडर्ड साइज का सिंक, आरओ पॉइंट, माइक्रोवेव पॉइंट, रेफ्रिजरेटर पॉइंट, यानी कि 6x9 का आपको ये ह्यूज सा किचन दिया गया है ईस्ट फेसिंग के साथ। इसी के ऑपोजिट में आपको यहाँ पे ये डाइनिंग रूम मिल जाएगा, जहाँ पे आप इजीली 8-seater, 6-seater डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। डाइनिंग के लेफ्ट साइड में ये आपको सेकेंड बेडरूम दिया गया है। सो ये जो सेकेंड बेडरूम है, ये आपका नॉर्थ फेसिंग सेकेंड बेडरूम दिया गया है। सो ये जो सेकेंड बेडरूम है, इसका साइज 10x11 है। सो 10x11 का आपको सेकेंड बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दो स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे एक बैल्कोनी मिल जाएगा। सो ये जो बैल्कोनी है, ये आपका 3x4 का आपको ये एक बैल्कोनी मिल जाएगा। ये 3BHK आपका रोड फेसिंग फ्लैट होने के कारण आपको यहाँ से रोड देखने को मिल जाएगा। सो रोड व्यू आपको दो कमरे से, सेकंड कमरे से और आपका ये मास्टर बेडरूम से मिल जाएगा। सो ये 3x4 का आपको यहाँ पे एक बैल्कोनी दिया गया है सेकंड बेडरूम से। सो ये जो सेकंड बेडरूम है, इसका साइज 10x11 है। सेकंड बेडरूम से निकल के वापस आप अपने डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका ह्यूज सा डाइनिंग स्पेस है। ये आपका किचन के लिए स्पेस है। यहाँ पे आपको एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है और फ्लैट के डेड कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है, ये आपका नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग बेडरूम है। सामने में आपको नॉर्थ मिल जाएगा और इस तरफ में आपको ईस्ट मिल जाएगा। सो नॉर्थ ईस्ट के साथ आपको ये जो बेडरूम दिया गया है, इसका साइज 11x10 का आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। एसी का पॉइंट आपको हर कमरे में मिल जाएगा। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको दो स्लाइडिंग की डोर के साथ विंडो मिलेगा। इस मास्टर बेडरूम से अटैच आपको एक बैल्कोनी मिल जाएगा। वार्डरोब के लिए स्पेस मिल जाएगा और एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। सो ये जो अटैच बाथरूम है, इसका साइज आपका 5x5 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। बाथरूम के अंदर ही आपको एक ह्यूज सा लॉफ्ट का स्पेस दिया गया है। सो ये जो बाथरूम है, इसमें आपको एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, गीजर पॉइंट, वेस्टर्न टॉयलेट शीट, टैप पॉइंट, शावर पॉइंट मिल जाएगा। सो ये आपका 5x5 का आपको ये एक ह्यूज सा अटैच बाथरूम दिया गया है लॉफ्ट स्पेस के साथ। सो मास्टर बेडरूम से अटैच आपको एक बैल्कोनी भी दिया गया है। सो ये जो बैल्कोनी है, ये 4x8 का आपको ये एक बैल्कोनी दिया गया है। सो ये आपका रोड फेसिंग होने के कारण आपको यहाँ से रोड देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए आप लोग। सो ये आपको 4x8 का आपको ये एक बैल्कोनी दिया गया है। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो बैल्कोनी से वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। वार्डरोब के लिए स्पेस, अटैच बाथरूम। मास्टर बेडरूम से निकलकर राइट साइड में आपको ये सेकंड बेडरूम दिया गया है। ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है। डाइनिंग स्पेस के ऑपोजिट में ये आपको किचन दिया गया है। किचन को क्रॉस करते ही, डाइनिंग को क्रॉस करते ही आपको लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। ये आपका कॉमन बाथरूम है। ये आपका मेन एंट्रेंस और MCV पॉइंट है।
ओके सो कल्याण, मैंने 3BHK का लेआउट दिखा दिया है, सो इसका प्राइस और को बिल्ड बता दो। 70 स्क्वायर फीट का ये 3BHK है, 6000 करके 5 स्क्वायर फीट आ रहा है, इसके दाम आ रहा है 77 लाख। और पार्किंग इसके साथ? अच्छा 6 लाख अलग से देना पड़ेगा और पार्किंग मैंडेट है। ओके ओके थैंक यू। একটু কাছে আসো, তুমি স্ক্রিনে বাইরে চলে যাচ্ছ, ক্যামেরাতে দেখতে থাকবে সবসময়। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 2BHK 3BHK का लेआउट दिखा दिया, प्राइसिंग बता दी, सो आई बिलीव आपको इसका लेआउट और प्राइसिंग अच्छी लगी होगी। इस लोकेशन में इतना खूबसूरत लेआउट मुझे बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। हॉल सेपरेट है, आपका डाइनिंग से सेपरेट है, रोड दिख रहा है, डायरेक्शंस अच्छे हैं, बड़े बड़े से स्टैंडर्ड साइज के रूम दिए गए हैं, बाथरूम का साइज बहुत अच्छा है। सो बेसिकली मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मतलब साइज एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम, बिल्डिंग का एलिवेशन हो, एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। और अच्छा चलिए, सो और बाकी सारी डिटेल्स हम सुकल्याण से ले लेते हैं, बेसिक सी डिटेल्स। और यहाँ पे अगर मतलब मैंने देखा कि थोड़ा बहुत काम चल रहा है, सो अगर मुझे यहाँ का मैं बुक करती हूँ तो मुझे एक्सेस कब मिल जाएगा, हैंड ओवर कब मिल जाएगा? मार्च का मिडिल या मार्च के एंड तक आपको हैंड ओवर ये हो जाएगा। अच्छा, करीब करीब मतलब पूरा रेडी हो गया है, तो आपका एक महीने में हैंड ओवर दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मतलब जब तक ये आपका लोन प्रोसेस का काम चलेगा उतने दिन में ये पूरा रेडी हो जाएगा। लिफ्ट वगैरह मैं देख रही थी, वो अप डाउन कर रहा था, सो ऑलमोस्ट डन है। माइनर सी चीजें बाकी हैं, लाइक बाथरूम फिटिंग्स वगैरह लगाना बाकी, एवरीथिंग इज डन। सो सुकल्याण, सबसे मुझे पहले ये बता दो कि अगर मुझे लोन वगैरह लेना है तो उसकी क्या व्यवस्था है? SBI अप्रूव किया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अप्रूव किया हुआ है, और दूसरा बैंक से भी आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस बैंक की चाहिए ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सो मतलब ऑब्वियसली अगर SBI से अप्रूव्ड है तो आपको किसी भी बैंक से लोन मिल जाएगा, और वैसे भी थ्रू आउट द प्रोसेस सुकल्याण रहेंगे आपको पेपर हेल्प करने के लिए, लोन प्रोसेस करने के लिए। सो सुकल्याण यहाँ पे मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा? आपका 1.25 करके पर स्क्वायर फीट देना पड़ेगा। अच्छा, सो 1.25 रुपए करके पर स्क्वायर फीट आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ओके सुकल्याण, मुझे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सोर्स के बारे में बता दो। इलेक्ट्रिसिटी आपका CSC का इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाएगा, इसके बगल में आपको पावर बैकअप भी मिल जा रहा है, और आपका जो वाटर है वो KMC का वाटर, आपका मीठा पानी मिल जाएगा। KMC का मीठा पानी, यानी आयरन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाओ गुड। सो ये हो गई लोकेशन प्राइस वगैरह के बारे में बात। सो आई बिलीव मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स दे दी है। इफ इन केस मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ या मेंशन करना भूल जाती हूँ, सो सुकल्याण का नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप सुकल्याण से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। इफ इन केस आपको अगर किसी फ्लैट का एडवर्टीजमेंट कराना है या प्रमोशन कराना है, सो मेरा नाम नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप लोग डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का, मिलेंगे किसी नई लोकेशन में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।